ओम शांति। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ आए दिन बहुत सुंदर सुंदर रीति से हम हर त्यौहार को मनाते हुए आए हैं, और आज देखा जाए तो हमारे सामने रक्षाबंधन आया हुआ है, एक सुंदर सा त्यौहार जो कि पूरे भारतवर्ष इसको मनाने के लिए जा रहे हैं। और इस रक्षाबंधन को आज दिन तक हम किस रीति से सेलिब्रेट किए हैं, और ये त्यौहार को कहा गया है सबसे पावन त्यौहार, क्योंकि इसमें एक भाई और एक बहन का रिश्ता जुड़ा हुआ है, और वो भाई बहन का रिश्ता जिसको सारे विश्व में सबसे प्योर रिश्ता कहा गया है, एक पावन रिश्ता कहा गया है। हम देखते हैं कि आज के इस त्यौहार में, इस पर्व में, एक भाई इंतज़ार करते हुए रहता है कि कब वो अपने बहन के हाथों से वो राखी बंधवाए, और राखी बंधवाने का एक रिवाज भी है। पहले बहन भाई को तिलक लगाती है, फिर उसके बाद राखी बांधती है, फिर उसके बाद मुख मीठा किया जाता है। लेकिन जितने भी त्यौहार हम मनाते आए हुए हैं, सिर्फ एक स्थूल रीति से हम मनाते हुए आए हैं, उसकी वास्तविकता से हम बहुत दूर हो चुके हैं, और उसकी आध्यात्मिकता की जो ज्ञान है, उस ज्ञान से भी हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हर त्यौहार का एक आध्यात्मिक रहस्य हमें बताया है, और इस रक्षाबंधन के दिन पर भी, इस रक्षाबंधन के पर्व भी एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, और उसकी बोध हमें डायरेक्ट परमात्मा आकर के हमें करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम ये त्यौहार मनाते हैं तो हमारी बुद्धि में ये सोच रहता है कि एक बहन की सुरक्षा उसके भाई ही कर सकते हैं, और एक सवाल भी अभी आता है, क्या सही में बहनों की सुरक्षा क्या भाइयों के हाथ में ही है? परमात्मा हमें कहता है कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, हमारी सुरक्षा वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। लौकिक में हम एक चीज़ को हम गौर करते हुए आए हैं, कई बार माता पिता बच्चों के प्रति भी कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं रखे हुए हैं, और बच्चों को ये भी कहते हैं कि इस नियम या इन मर्यादाओं को जब तक हम पालन करते रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, और जिस दिन हम कुछ नियम या मर्यादाओं को उल्लंघन करके आगे चले तो उस दिन जान लेना कि तुम सुरक्षित नहीं हो। तो परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं, रक्षा बंधन, अर्थात कौन सी बातों के ऊपर हमें रक्षा पानी है, कौन हमें रक्षा कर सकता है, और ये बंधन वास्तव में कौन सा बंधन है। बंधन शब्द को सुनते ही हम देखते हैं कि एक होता है सुख का बंधन और एक होता है दुख का बंधन। सुख का बंधन में कितने समय का सुख का बंधन, थोड़े समय का, एक सूक्ष्म रीति से है, एंड दुख का बंधन जो हम सभी महसूस भी हम किए हुए हैं। लेकिन परमात्मा हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ नियम और कुछ मर्यादाओं के बंधन में वो बांधे हुए हैं, और वो भी हमें ये कहते हैं कि जब तक हम आत्माएं उन बंधन, उन नियम, उन मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, तब तक ये आत्मा सुरक्षित है, और जब हम उन नियम, मर्यादा और बंधनों को तोड़ दिए तब हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ इस रक्षाबंधन में सबसे पहले एक तिलक दिया जाता है, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये तिलक वास्तव में विजयी भव का तिलक है, और ये विजयी भव का तिलक किसे मिल सकता है, जो वर्तमान समय परमात्मा को सही रीति से जानकर, पहचानकर, परख कर अपने रास्ते को सही दिशा में ले जाते, वही यह विजय का तिलक लगाते हैं। और उसके साथ साथ
ये राखी जिसको कहा गया है, राखी मतलब रखी, किस चीज़ को रखा, हम ये भी देखो देखते हैं लौकिक में कि साल भर में ये एक बार ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो जिसमें हर एक गम, हर एक शिकवा, हर एक भूलों को भुला करके भाई और बहन इकट्ठे होते हैं। तो परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं कि आत्मा के नाते से हम सभी भाई बहनें एक पिता के बच्चे हैं, तो आपस में हमारा एक रूह का नाता है, एक रिश्ता है, एक रूहानियत की रिश्ता है। तो इस रूहानियत के नाते से इस पूरे विश्व के जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, हम सभी मनुष्य आत्माओं का रिश्ता भाई और बहन का रिश्ता है। और जब तक ये भाई और बहन की दृष्टि हम एक दूसरे के प्रति बनाए रखेंगे, जिसको सारा विश्व मानता है कि इससे बड़ी रिश्ता और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही प्योर है, बहुत ही पावन है, तो तब हम सच्ची राखी मना सकते हैं। इस राखी को बांधने के बाद हम सभी एक दूसरे को मुख मीठा करते हैं। अब इस मुख मीठा करने के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, तो परमात्मा ने भी इसके पीछे हमें ये कहा कि जब भी ये मुख खोले तो इस मुख से हमेशा मीठे बोल निकले, मीठे शब्द निकले जो औरों को सुख पहुँचाए, इस मुख से कुछ भी ऐसे कड़वे शब्द ना निकले जो औरों को दुख पहुँचाए। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को, ये तिलक को, राखी को, इस मुख मीठे को अच्छी रीति से जब हम समझ जाए, तब हम कहें कि हम एक आध्यात्मिक तर्क की रीति से एक सच्ची सच्ची इस रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाए हैं। तो चलिए आज हम सभी मिलकर के जब हम इस रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को हम ज्ञात हो गए, इसके बारे में हमें बोध हो गया है, इसको एक नई रीति से एक नई दिशा दे करके हम सभी रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत उमंग, बहुत उल्लास के साथ हम सभी मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, हैप्पी रक्षाबंधन।